हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केपीआर मील्स लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 20 रुपए की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 3.5% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आया। आज के दिन इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे के एक सप्ताह में 0.5% की गिरावट देखने को मिली है, 1 महीने में 5% और 3 महीने में इस स्टॉक में 1% के करीबन की गिरावट देखने को मिली है, परंतु 6 महीने में इस स्टॉक में 6% की तेजी देखने को मिली है और 1 साल में 1.5% के करीबन की तेजी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म में देखें तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, परंतु 3 महीने से इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहेगा अराउंड 769 रुपीस। 769 रुपीस का इस स्टॉक में हाई बॉटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर दिखता हुआ नजर आ रहा है। हम इस स्टॉक में देखें तो नीचे का एक लो बनता हुआ नजर आया अराउंड 478 रुपीस। 478 रुपीस के इस स्टॉक में नीचे का एक लो देखने को मिलेगा, जहां से आप स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक में एक पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो अराउंड 560 रुपीस, 560 रुपीस के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट अराउंड 620 रुपीस के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।